कि कांग्रेस का कांग्रेस जाने, क्योंकि कांग्रेस में हर व्यक्ति सोच रहा है जिसके दावेदार थे कि भाई किसको बलि का बकरा बनाए, 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 और वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो उनका जाने, हमारे तो कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे लगातार जनता के सेवा में लगे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव की कमर कस ली है। ज्ञानेश्वर पाटिल है, भाजपा के सांसद है, आपके सामने उम्मीदवार भी है। उन्होंने पिछले दिनों मीडिया में अपना बयान दिया है कि कांग्रेस को अब तक के उम्मीदवार नहीं मिला, बलि का बकरा नहीं मिला है, कौन मिलता है, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखो, ऐसा है, एक सांसद होने के नाते और किसी विपक्ष पार्टी की कोई बात करना या अनेक प्रकार की पार्टियाँ अपनी अपनी एक प्रक्रिया से गुजरती है। कांग्रेस पार्टी ने कहीं और जल्दी प्रत्याशी घोषित कर दिए, यहाँ कुछ लेट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि बलि का बकरा बनाना। बलि का बकरा तो खंडवा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बनाएंगे, किसको बनाते हैं ये मतदाता भाई को देखना है। और ज्ञानेश्वर जी ने, मैं समझता हूँ कि आज 3 साल पूरा उनका कार्यकाल हुआ है, लेकिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्य करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। और एक सांसद बनने के बाद अगर आप देखा जाए तो हमारे गंगाचरण जी तिवारी थे ना, क्या त्रिवेदी जी, गंगाचरण जी और दीक्षित जी, गंगाचरण जी दीक्षित जी, चाहे शिव कुमार सिंह जी हो, कालीचरण सखरगाया जी हो, चाहे हमारे सुभाष यादव जी हो, चाहे महेंद्र सिंह जी हो, चाहे हमारे अरुण यादव जी हो, इन लोगों ने जब जब इनको मौका मिला सांसद बनने का तो सूतमिल से लगा के ओंकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, किसानों के हित की बात करी। आज पावर हाउस की बात करें तो दो दो पावर प्लांट अरुण यादव जी लाए हैं, एक सिंगा जी के नाम से और एक गणगौर के नाम से, जो बड़वा में और मांधाता विधानसभा में हैं। अगर हम बात करें खंडवा की, तो खंडवा में उन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल ला कर दिया है। हम बात करें खंडवा में फिर से कि उन्होंने पेयजल के पानी जो नर्मदा जी में डैम बना है वहाँ से पानी लेके आए, तो लोगों की सुविधाओं के लिए हम लोग बनते हैं। और हर कांग्रेस के सांसद ने मौका मिला तो उन्होंने इस जनता के बीच में निमाड़ का नाम रोशन कर दिया। ये पंजाब से भी बढ़कर निमाड़ आगे पहुँचा है।